नमस्कार आप सभी को। आज मेरा वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप सभी के लिए है, स्पेशली फॉर कैंसर पेशेंट्स के लिए। ये वीडियो बहुत ही खास रहेगा आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में अगर कोई ट्रीटमेंट करना चाहता है, कोई कैंसर पेशेंट ट्रीटमेंट, आप यहाँ आकर ट्रीटमेंट करना चाहता है, लॉन्ग ट्रीटमेंट आप लेना चाहता है, तो आप लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का तरफ से एक गेस्ट हाउस प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ आइए, सारे डिटेल्स मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और आप देख पा रहा होगा ये बिल्डिंग है, ये है पूरा मेन बिल्डिंग। इसमें 4 फ्लोर जो कैंसर पेशेंट्स के लिए अरेंज किया गया है। तो आप लोग सारा डिटेल्स मैं दे दूंगा, कांटेक्ट डिटेल्स रहेगा, जगह का नाम रहेगा, सारा डिटेल्स में, और रूम का मैं कुछ वीडियोग्राफी किया हूँ तो उसको भी मैं दिखा दूंगा आप सभी को। तो मेरा वीडियो को जितना हो सकता है आप लोग शेयर कीजिए, ताकि उन ज़रूरत लोगों तक मेरा वीडियो पहुँचे। तो मैं सबसे पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस प्रकार का काम किया है जो स्पेशली कैंसर पेशेंट्स के लिए है। तो बहुत ही अच्छा सुविधा यहाँ दिया जा रहा है, मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, यहाँ आप लोग बस का फैसिलिटीज आप लोग को मिल जाएगा, आना जाना एक्सेप्ट सैटरडे संडे को छोड़ के पूरा दिन आपको ये बस का सुविधा है, मॉर्निंग आफ्टरनून आना जाना टाटा, क्योंकि ये जहाँ जे जो जगह है ये काफ़ी दूर है टाटा हॉस्पिटल जाने के लिए, लगभग 1 घंटा ज़्यादा लगता है यहाँ से, तो इसलिए बस फैसिलिटीज दिया जाता है। और ये जो गेस्ट हाउस को रन कर रहे एक असम गेस्ट एनजीओ है, दीपशिखा बोल के, वो लोग रन कर रहे हैं। तो ये आप सभी के लिए बहुत है, आप लोग आइए यहाँ भी ट्रीटमेंट कीजिए, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में, इतना एक्सपेंसिव शहर में ट्रीटमेंट करना बहुत ही तकलीफ है, बहुत एक्सपेंसिव, बहुत कॉस्टली होता है। तो टाटा हॉस्पिटल का सामने भी बहुत सारा गेस्ट हाउस है, लॉज है, लेकिन वहाँ इतना एक्सपेंसिव है, पर डे 1500 से कम में आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ जो है एक डबल, बहुत ही रिजनेबल एफोर्डेबल रेट में सरकार ने हम सभी के लिए अरेंज करके रखा है। तो आप लोग आइए, आप लोग यहाँ ट्रीटमेंट, क्योंकि कैंसर ऐसे बीमारी है जो बहुत लंबा ट्रीटमेंट होता है, तो काफ़ी बहुत खर्चा पानी लगता है, बहुत कॉस्टली होता है। तो आप सभी के लिए मैं ये अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। मैं सारा डिटेल्स जो गेस्ट हाउस का सारा डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में है, फिर से मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप लोग चेक कीजिए, और यहाँ आने से पहले आप लोग कॉल कीजिए, जो कांटेक्ट डिटेल्स में आप लोग पूछे कि रूम खाली है ना नहीं है, 3-4 दिन पहले आप लोग कॉल करना पड़ेगा। जैसे आप लोग आएगा डायरेक्ट यहाँ रूम नहीं भी मिल सकता है, खाली नहीं होता है, तो आप लोग पहले 3-4 दिन पहले कॉल कीजिए। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का तरफ से किया गया है। तो मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर को और उनके सरकार को, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस प्रकार का काम किया है हम स्पेशली कैंसर पेशेंट्स के लिए। तो ये बहुत ही लाभदायक है कैंसर पेशेंट्स के लिए। इस तरह का रूम है, ये पेशेंट अटेंडेंट के लिए है, ये बाहर में रखा गया, डाइनिंग। और पेशेंट का रूम को देखते हैं, ये एक प्रकार का पेशेंट का रूम है, इस तरह का रूम है, यहाँ भी सो सकता है अटेंडेंट, साथ ही साथ यहाँ एसी भी लगा हुआ है, फैन भी ऑप्शनल दिया गया, सब कुछ सुविधा है। और नेक्स्ट रूम चलते हैं, यह है दूसरा रूम, यहाँ भी एसी का सुविधा है और साथ ही साथ टॉयलेट अटैच है, ये टॉयलेट है। और ये बाहर वाला टॉयलेट है, आप दिखाता हूँ। किचन कॉमन है, 2 पेशेंट्स, 2 BHK का रूम है यहाँ में, तो यहाँ भी सब कुछ फिल्टर है। और ये सब 2 पेशेंट्स का किचन है, ये शेयरिंग है किचन, और ये फ्रिज है, बहुत कुछ सुविधा है, सब कुछ, बर्तन थाली सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, अब बर्तन थाली अलग से खरीदना जरूरी नहीं है।